जो अपना रवि यहाँ है ये सतपाल प्रधान उनकी भी तो जिम्मेवारी है दुकान वाले की जिन्होंने किराए पे दे रखे सभी घंटे वाला जो दुकान का सभी है सिर पे चढ़ा दी सारे फर्ज उन क्या हो रहा है आजकल यहाँ पर ये बदमाश ही आते हैं जी खटखटी से और रंगबाजी मांगते हैं। कौन नाम क्या है बाबा आपका? मेरा नाम राजकुमार है जी। बीजे जी कल क्या हुआ था? कल तो हमारी दुकान पर आ करके और जो है अपना रंगदारी मांगने लगी। ये हुआ झगड़ा हुआ जी। कितने आदमी थे ये तो बता नहीं जी मुझे। कह आदमी है कल एक पकड़ लिया पब्लिक ने एक पकड़ लिया जी। मैं एक पुलिस को दे दिया जी। तो ऐसे ही हौसला दिखाओ। हाँ एक पुलिस को दे दिया जी हमने जो भी आप पकड़ लो। पुलिस को दे दिया जी। मैं सतवीर एयरमैन हूँ जी और यहाँ से 75% बदमाशों की वजह से व्यापारियों ने पलायन कर लिया और यहीं मंडी के कुछ लोकल आदमी उनको सहारा देते हैं और 75% योगी के सरकार में भी अगर उन पे रोक नहीं लगी तो फिर कोई सरकार रोक नहीं लगा सकती। ये बहुत दुखद घटना है कि एक इन बदमाशों की वजह से व्यापारियों को पलायन करना पड़ रहा है। मार्केट इतने खुले क्या मुख्यमंत्री योगी इस प्लान को रोक सकता है? ये चैलेंज है मुख्यमंत्री योगी को। अगर रोक दिया तो उसकी जय जयकार हम करेंगे फिर दोबारा से फिर 2024 के चुनाव में भी करेंगे। और ये चैलेंज के साथ किया जा रहा है कि अगर योगी ने इस प्लान को रोक दिया और यहाँ पर सुरक्षा ऐसी दे दी तो हम उसकी जय जयकार करेंगे। परंतु सुनिए जब वहाँ कांड हुआ एक जहाँ पुलिस के कई आदमी मरे थे तो जब पुलिस के आदमी मरते हैं तो वे बदला लेकर के आदमी को मार देते हैं बदमाशों को। और परंतु जब एक बढ़िया मरता है व्यापारी मरता है तो उसके पैर में गोली तक भी नहीं मारी जाती इनकाउंटर नहीं दिखाया जाता। ऐसा क्यों? इसका मतलब यहाँ के लोकल आदमी मिले हुए हैं उन बदमाशों के सहारे से वो पैसा कमा रहे हैं। जिनकी दुकानें हैं वो यहाँ से पैसा मंगवाते हैं और आधा पैसा खुद लेते हैं। बहुत बढ़िया।